किंगची की 70 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 1500 वॉट की है डिस्क ब्रेक के साथ और अलॉय रिम के साथ में मिल जाती है। और इसकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन यह है कि इसके अंदर 72 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 25 एम्पीयर प्रोड्यूस करती है। तकरीबन 1650 वाट इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके अंदर हमें डिजिटल मीटर मिल जाता है और इसके साथ साथ इस मीटर के अंदर जो स्पीड इस बाइक की मिल जाती है वो पीछे मोटर के साथ कनेक्टेड है, कोई वायर इसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक वायर के जरिए ये हमें स्पीड को बताता है। इसमें तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है हमें। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक है वो हमें अपर हैंड पर लेफ्ट साइड पर मिल जाती है। और इसकी फ्रंट लुक आपको हमें जो है हीलियम लैंप गोल किस्म का मिल जाता है जो पुराने 125 के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अपने सेल्फ डिज़ाइन है राइट और लेफ्ट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अंदर ड्राइविंग मोड जो है वो इको और स्पोर्ट्स मोड है और मैक्सिमम स्पीड जो 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसके अंदर माइलेज 80 किलोमीटर तकरीबन है और चार्जिंग टाइम जो ये लेती है 3 आवर्स है और ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो 19-20 mm की लेंथ है। और इसके अंदर रियर टायर जो है वो आपको बता चुका हूँ कि वो डिस्क ब्रेक के साथ जो हमें अलॉय मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो इसके अंदर बैटरी इस्तेमाल की गई है वो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर बहुत लार्ज जो हमें प्रोडक्शन की गई मोटरसाइकिल्स की डिस्प्ले पड़ी हुई हैं वो मिल जाती हैं। इनके पास हमें स्कूटीज भी मिल जाती हैं और इसके साथ साथ हमें जो है कलर वो हमें ब्लैक और रेड में मिल जाते हैं। और इन बात करता चलूँ किंगची की इस 70 बाइक की कीमत जो है वो 2,40,000 रुपया दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि 125 की नज़र आ रहा है वो EV60 है किंगची का। तो इसके अंदर मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको देते चलेंगे कि इसके अंदर क्या खसूसियात हैं और क्या कमियाँ हैं। तो सबसे पहले इसके मोटर की बात कर लेते हैं जो कि अलॉय रिम के साथ हमें मिल जाती है। 72 वोल्ट की मोटर है और 2000 वोल्ट की मोटर है और इसके अंदर ये अलॉय रिम के हैं और साथ साथ डिस्क ब्रेक भी है। तो दोस्तों इसकी बैटरी की बात करता चलूँ 72 वोल्ट और 26 एम्पीयर की बैटरी है। तो फ्रंट पर हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जो डिजिटल LED मीटर मिल जाता है और जिस तरह हमें स्पोर्ट्स बाइक्स यामाहा और सुजुकी की स्पोर्ट्स बाइक्स मिल जाती हैं उसी तरह इसका फ्रंट पे हमें व्यू मिल जाता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है। और इसके अंदर हमें दो मोड्स मिल जाते हैं, एक स्पोर्ट्स और एक इकोनॉमिक मोड। तो अभी इकोनॉमिक मोड में हम आपको चला के दिखाएंगे। तो ये इकोनॉमिक मोड के अंदर रेस देने के बाद इसकी रनिंग है जो कि 30+ स्पीड पर चली जाती है 35 तक। और इसके बाद जो है स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड की जो स्पीड है तकरीबन 70 की रेंज तक उसकी चली जाती है स्पीड। तो दोस्तों ये इसकी मोटर्स की जो है वो रनिंग पावर है जी। अलॉय रिम की ये जो मोटर है ये ज़्यादा पायदार होती है, ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा टाइम तक चलती है और छोटे मोटे खड्डे वगैरह के अंदर लगने से ये टायर टेढ़ा भी नहीं होता जी। एक साइड से हमें टैंकी का कवर खोलने में कीज़ मदद देती हैं जिसमें हमें चार्जर और एक अदर ब्रेकर मिल जाता है, शोक अप्रूव ब्रेकर है। चार्जर जो है 72 वॉट और 26 एम्पीयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया गया है और ये बड़ा ज़बरदस्त फास्ट चार्जर है। दोस्तों इसकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन और बैटरी आपको चेक करवाते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की बैटरी है। पूरी एक बैटरी की पैकिंग है ये आप सामने देख रहे हैं कि ये रिमूवेबल बैटरी है। रिमूव करके आप अपने ऑफिस में, शॉप में, घर में लेके जाकर चार्ज करके दोबारा इसके अंदर लगाकर आप इसको फिक्स कर सकते हैं और दो बैटरीज रखने की इसके अंदर स्पेस है और एक बैटरी 72 वॉट और 26 एम्पीयर की। अगर दो रखेंगे तो डबल एम्पीयर्स के साथ आप 200 किलोमीटर की रेंज और 250 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बैक लाइट जो है वो खूबसूरत गोल लाइट है और गोल ही इसके इंडिकेटर्स लाइट्स हैं जो कि बड़ी खूबसूरत हैं और स्पोर्टी लुक देती हैं जी। तो दोस्तों ये है चिंगची EV32। इसकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि ये भी हमें अलॉय रिम के साथ मिल जाती है, डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाती है और 72 वोल्ट और 26 एम्पीयर की इसकी बैटरी हमें मिल जाती है और मोटर 72 वोल्ट पर जो रन करती है, 2000 वोल्ट की मोटर इसके अंदर इंस्टॉल है। और इसके अंदर भी स्पोर्टी लुक दी गई है। एक जो है हमें चीज़ नज़र आई कि इसके अंदर जो ब्रेक है बैक व्हील की वो हमें फ्रंट पर लेफ्ट साइड पर हैंडल पर मिल जाती है और ये पाँव के राइट साइड के ऊपर नहीं है। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों EVs की कीमत जो है वो बहुत हाई है, 4-5 लाख इनकी कीमतें हैं और बैटरीज़ की जो है पावर वो ये है कि 2000 साइकिल्स की बैटरीज इनके अंदर इंस्टॉल है। ये है अलॉय रिम वाली मोटर, 72 वोल्ट और 26 एम्पीयर यानी कि 2000 वाट की मोटर है और हमें यह डिस्क ब्रेक के अंदर मिल जाती है। बहुत प्यारी फिनिशिंग की गई है, हर चीज़ बहुत मैनेज तरीके से बनाई गई है। कीमत के हिसाब से जिस तरह हमें सुजुकी और यामाहा मिलती हैं उसी तरह की इसकी कीमत भी है, 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया। अभी ये सिर्फ सैंपल मॉडल्स हैं और फैमिली बाइक हमें ये महसूस हो रही है, फैमिली बाइक भी है। फ्रंट पर हमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, और उसी के अंदर पार्किंग और उसके अंदर बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट और लेफ्ट पर हमें जो थ्रोटर प्रीमियम किस्म के मिल जाते हैं उसके अंदर हमें हेडलाइट चलाने के और इंडिकेटर चलाने के जो है बटन मिल जाते हैं। स्पोर्टी लुक के इंडिकेटर्स हैं, स्पोर्टी लुक की हेडलाइट है और टेलीस्कोपिक जो है वो शॉक्स फ्रंट पर मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसके अंदर 2 स्पीड्स मोड मिल जाते हैं, वो भी इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स मोड के साथ। तो ये स्पोर्ट्स मोड है अभी और इसके अंदर हम फुल स्पीड के साथ इसको रेस देंगे। इसकी तकरीबन 72 तक स्पीड जा रही है और इसके अंदर बैटरी एक ही इंस्टॉल है, इसके अंदर दो की स्पेस नहीं है। और इकोनॉमिक स्पीड जो है वही 32-35+ जो है वो स्पीड है। और दोनों जो डिस्क ब्रेक हैं वो हाइड्रोलिक हैं यानी कि ऑयल के साथ जो है वो हाइड्रोलिक काम करती हैं ब्रेक्स। फुल 35 है।
चार्जर है, ये ब्रेक करें। चलो ठीक है।